निजी बस और ऑटो रिक्शा के बीच हुई जोरदार टक्कर में दो सैन्य कर्मियों की जान चली गई। सेना के अन्य 6 जवान और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भीषण हादसा रविवार 16 जून की शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान जूनी कामटी थाना अंतर्गत कनार नदी के पुल पर हुआ। मृतकों में विघ्नेश और धीरज रॉय शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामटी स्थित गार्ड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के 15 जवान सामान खरीदने के लिए कन्हान गए थे। खरीदारी कर वे ऑटो रिक्शा में प्रशिक्षण केंद्र लौट रहे थे। उनमें से एक ऑटो क्रमांक MH49AR7433 और नागपुर से सिवनी मध्य प्रदेश जा रही पवन ट्रेवल्स कंपनी की बस क्रमांक MH31FC4158 के बीच कन्हान नदी के पुल पर टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार सैन्य कर्मी कुमार पी शेखर, जाधव पी मुर्गन, अरविंद कुमार, दीप प्रधान, विघ्नेश नाभारत्नम, धीरज रॉय और चालक शंकर मिठुलाल खरकबान 50 वर्षीय गोरा बाजार कामठी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से दूसरी ऑटो रिक्शा में आ रहे सेना के जवानों ने घायल साथियों को कामठी के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक अस्पताल के बाद कुमार पी शेखर, जाधव और पी मुर्गन को कामठी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीप प्रधान और विघ्नेश को नागपुर के मेयो अस्पताल में रेफर किया गया। उपचार के दौरान विघ्नेश ने दम तोड़ दिया। नाभारत्नम, धीरज रॉय और ऑटो चालक खरकबान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रामा केयर सेंटर दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान धीरज रॉय की भी मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा बस के सामने के हिस्से में फंस गई, उसके परचक्के उड़ गए। बीएससी के एम्बुलेंस चालक गौरव भोयर ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जूनी कामटी पुलिस ने बस चालक मधुकर विठल राव काले, 60 वर्षीय रविशंकर वार्ड गोंदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।